भगवान के पीछे भगवान का साथी था। भगवान ने अपना हाथ इधर छुड़ाया और साथी का हाथ उसके बाद पकड़ा। अब वो उस पल्लू को धूप पर निकाल दिया और भगवान उससे पहले चले गए अपने बाबा के यहाँ, अपने माँ के यहाँ, और इधर से गोपी का उसके हाथ पकड़ के चल। जैसे ही नंद बाबा के दरबार पर पहुंची, आंगन में पहुंची, कहा हे नंद बाबा, हे यशोदा माँ, तुम बहुत बड़े हैं दोनों है। कहते हमारा बेटा चोर नहीं, हमारा बेटा कुछ नहीं कर रहा। देखो आज मैं तुम्हारे कृष्ण को पकड़ करके लाई हूं। भगवान अंदर बैठे हुए, यशोदा माँ अंदर, नंद बाबा अंदर, कह रहे किसके कृष्ण को पकड़ करके लाए। कहा हे यशोदा माँ, बाहर आओ जल्दी से, नंद बाबा कहा है, बाहर उतारो। आए दरवाजे पर आए, बोलो बाबा क्या है। बोला मैं तुम्हारे कृष्ण का हाथ पकड़ करके लाया, रंगे हाथों चोर को पकड़ा है। बोला भैया हमारा कृष्ण तो घर में है, किसका कृष्ण पकड़ कर। बोला हमारा कृष्ण घर है, ये कोई और कृष्ण है। कहा नहीं नहीं, कहा थोड़ा इस पल्लू को ऊपर करो, देखो किसका हाथ पकड़ करके लाए। बोला तुम्हारा कृष्ण है। और जब उसने पल्लू ऊपर किया, देखा तो हाथ किसी दूसरे के ही पड़ा हुआ। भगवान श्री कृष्ण दरवाजे में खड़े और वहां से बजरी बजाने के बजाने लगे और हाथ से ऐसे करने, कहा हे गोपिका, ये तो है मेरा कमाल। बोले यज्ञ नारायण भगवान। गोपिका सिर नीचे करके चुप हो गए। कहा रे कृष्ण कैसा भागा मेरे हाथ से, पकड़ा तो मैंने इसी को। कहा रे भगवान, कहा रे गोपिका, तू मेरा विवाह करना चाह रही थी, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। इस तरह से फिर सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं, नभूत संग संस्थान देवस्या परमात्मा यो वेति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मना। ये परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की शक्ति है। मैं आपको बता रहा था जिस दिन भगवान के 24 अवतार हुए, ये परमात्मा 5 शब्दों से भगवान के 24 अवतार हुए। जब जब इस धरती के ऊपर जब जब भगवान को संतों को कष्ट हुआ, तब तब संतों की रक्षा करने के लिए भगवान आए और तब भगवान ने 24 रूप धारण किए और संतों की रक्षा की। स सर्वस्मात् बहिष्कारः श्रोतस्मात् विधानतः मुखं दशावलोक्यापि सचले स्थानमाचरेत। कहा हे गोपिका जाओ, अब मत करना ऐसी गलती। हमारे बेटे का बहुत बदनाम कर दिया तुझे, कह रहे तुम्हारे पास काम धंधा कुछ नहीं, बोलने बस आज भी तेरा बेटा चोर, कल भी तेरा बेटा, अब मत बोल रहे सारी गोपिका। कहा मैं तुम्हारे वस्त्र नहीं दूंगा।
स्वयं ददे। याने याने अजीतानि तद्वालो चरितानि च दधिर निर्मन्थने काले ईश्वरमुचेत्यान्यगायता। अब देखो क्या होता है, भगवान ने क्या सिखाया। एकदा गृहदासीसो यशोदा नंद गेहिनी, यशोदा की पत्नी नंद बाबा की पत्नी यशोदा माँ हाथ में परोठी लेकर के चले गए तो मंडल ले गए। आजकल की माँ है जो ऐसे करमंदा निर्वदासो निर्मंत स्वयं दरे। प्रातः काल क्या किया यशोदा माँ ने, शौचालय क्रियाओं से निवृत्त होकर के अपने घर के काम धंधों को निवृत्त होकर के भगवान की पूजा करके और उसके बाद स्वयं कहाँ चले, गाय को दोहने चले। कर्मांतर नियोगतासो निर्मंता स्वयं नदे। गई गाय को पिला के लाई, घर पर दूध लाया, दूध को मटकी में रख दिया आगे के ऊपर गर्म करने के लिए और स्वयं क्या करने लगे माँ, स्वयं निर्मंता स्वयं दधे। स्वयं क्या है, मटकी में दही डाल दी और यशोदा माँ छाछ लगाने लगे। कर सकती कोई ऐसी माँ, करेगी ऐसा काम? जो पुरानी होगी वो कर तो लेगी, जो पुरानी माता है वृद्ध माता है वो तो कर भी लेगी। उनको शर्म है कि यार मैत्यों की भी पता नहीं कह की लाज रखे आपकी माता, छोड़ इस गौ पालन के चक्कर से भैंस पालन के चक्कर से तो सब चल गए भैया हरिद्वार ऋषि के जाइए। हरिद्वार ऋषि के जाओगे तो क्या होगा है, अपना काल हमने सबने तैयार कर रखा है, अब क्या होगा। ये जो जगह जगह प्रोजेक्ट बन रहे आप देख रहे हैं, खाले खालों में क्या बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, तो सब हमारा काल तैयार हो जाएगा। और देखना परसों का जो डैम टूटा कितने लोग मरे, और जिस दिन टेरी डैम टूटेगा वहां क्या है, कुछ नहीं मिट्टी मिट्टी है वाले वाले, और उसने टूट रहा है निश्चित है। एक से पसीना निकल गई यशोदा माँ, लथपथ हो गई पसीने, कहा भैया माँ को ज्यादा सता रहा। फिर क्या है, भगवान श्री कृष्ण बंधन में हो गए, माँ के बंधन में हो गए, बोले के नारायण भगवान की। वैसे भगवान की कौन सी लीला कर रहे हैं भगवान, उखल लीला। माँ ने कहा ये बड़ा अनाड़ी है, इसको कहाँ बांधो उखल में, इस रस्सी को। उखल अब किसी के घर में नहीं होगी, है क्या उखल, उखलार सब खत्म हो गए, अब कहा चले गए मशीनों में है, मशीनों का अन्न खा रहे। और उस समय क्या होता था उखल में, उल्लू उखले सब भृतकंडुलाश्चाह सघट यंते भीमुसले प्रमुग्धा गोपाल गोप्यो जनितानुरागा गोविंद दामो धर्मा दमिति। क्या कह रहे उल्लू कले संभृत तंडुलाशा। पहले के जमाने में क्या होता था, उखल में उलखार में जाती थी बहु बेटियां और वहां गोकुल में क्या करे, सारे ग्वाल गोपी गायें आई और उखल में धान क्या है तंडुल डाल दिया, धान डाल डाल। उल्लू खले संभृत तंडुलाशा, तंडुल में चावल कूटने लगे, धान को कूटने लगे। पहले के जमाने में आप जानते हैं समय नहीं था, पहले एक रुपया होते थे सबका, एक कमरा सब वही सुनते थे, बहु बेटी सब जवाई जुआई सब वही। तो तब क्या होता था, किसी की चुगली नहीं लगा सला, किसकी लगाए चुगली, ससुर भी वही, सास भी वही, जेठ भी वही, जेठानी भी। अब क्या कर लिया भैया अलग अलग, पहले पति से डिमांड, कमरा अलग, शौचालय अलग, सब कुछ अलग होना चाहिए तब आते हो नहीं, और फोटो में कैमरा, कैमरे में फोटो खींचा सब हो जाएगा और भेज दिया सब बन गया, तब हुई बात पक्की। उल्लू खले संभृत तंडीनो ग्रहा, कहा हे प्रभु हे वासुदेव हे भगवान हे यज्ञ नारायण भगवान,
हमारी गलतियों को क्षमा करो और आज हमें आशीर्वाद दो। और भगवान ने उन्हें पुनः फिर आशीर्वाद दिया और वहां फिर क्या है सदगति की प्राप्ति हो गई। बोले यज्ञ नारायण भगवान। माताओं थोड़ा सा जोर जमाई लग रहे हो। जमाई कब लगती है आपको पता है? जब आदमी थक जाता है तब उसको जमाई लगती है, जब थकान होती है। और थकान कब होती है आदमी को? जब उसका मन इधर उधर होता है। और जमाई कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। निद्रा आती है और जमाई शुरू होती है। कुंभकर्ण जी कथा में नहीं जाने देता किसी को, रोकता है उसको, चाहे भैया मुझे आराम चाहिए सोना। और इसलिए इस कुंभकर्ण की पत्नी को हमको रोकना है। कब रुकेगी? जब हम भगवान की कथाओं में जाएंगे। हट बांधनी पड़ेगी हमको कि हमने जाना है। बहुत सारी पत्नियां होती है, बोलते पतिदेव कहा जा रहे, छोड़ो कथा वार्ता कुछ नहीं। अरे दूसरे दिन सुनेंगे। परंतु मेरे भाई बहनों भाग्यवान लोगों, ये कथा हर समय नहीं मिलती। मैं बता रहा था कि देवता लोग अमृत लेकर के आए, धन लेकर के आए और सुखदेव महाराज जी को कहने लगे, कहा ही सुखदेव तुम अमृत ले लो, धन ले लो और राजा परीक्षित को अमर बना दो और इस भागवत कथा को हम। सुखदेव ने कहा, हे ठगियो हे छलियो, ये कोई खरीदने की वस्तु ये क्या सोच रहे हैं? तुम ऐसे मिल जाएगी उनको मिलती जो भाग्यवान लोग जिनके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद, कुल देवता का आशीर्वाद हो, उन लोगों को क्या है भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। नहीं तो शरीर तो सबका है, आना भी सबने है, जाना भी सबने है। परंतु जिसने इस जीवन में आकर के कभी भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं किया, इन आंखों से देवताओं के दर्शन नहीं किए, इन हाथों से कभी दान पुण्य नहीं किया, इन पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं की, तो बेकार है इस शरीर के लिए। पशु से भी बेकार है। पशु को कितना ज्ञान हो गया आप देखते हैं, पशु आज लड़ता नहीं आता। पशु को जिस दिन हम एक खूंटे में बांधते हैं, कहां से लाते हैं पशु? खूंटे में बांधते हैं, दूसरे दिन खोलो पूरा अपने खूंटे पर आ जाएगा। और आप राम दिन रात कथाओं को श्रवण करते हैं टीवी चैनलों के माध्यम से, अपने मोबाइलों से, परंतु कोई शुद्ध नहीं, कोई बुद्ध नहीं, क्योंकि आना और जाना, सुना और इसलिए बड़े भाग्यवान लोग हैं आप जो भगवान की कथाओं में कम से कम नारायण के दरबार में बैठ करके आप किसी को गाली गलौज तो नहीं कर रहे। आप कम से कम भगवान का ध्यान नारायण नारायण को बोल रहे। अन्य सभाओं में जाओ कहीं ना कहीं दूसरे की बुराई आ रही है, परंतु इस सभा में देवताओं की सभा में सही यहाँ आप बोलेंगे तो अच्छा होगा। इस तरह से ये क्या है मोक्ष गति को प्राप्त हो गए, भगवान की परिक्रमा की और चले गए भगवान अपनी लीलाओं को करने। सुखदेव महाराज जी कहने लगे, कहा हे राजा परीक्षित। नंद बाबा कहने लगे, कहा हे ग्वाल बालो हे गोपो, अब क्या है इस गोकुल में बड़ा उत्पात हो रहा है। अब ऐसा करते हैं कि हम वृंदावन के लिए रवाना होते हैं। अब वृंदावन धाम में जाकर और वृंदावन धाम में जाकर के क्या है ले जाएंगे। और इस तरह से इन्होंने उपनंद नाम के गोप ने सुझाव दिया और इन्होंने सारा सामान छकड़ों के ऊपर रखा और सारे लोग तैयार हुए और वृंदावन के लिए क्या है रवाना हो गए। बोले वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम में जाकर के वहां पर भगवान ने क्या है अनेक प्रकार की लीलाएं, अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान ने प्रारंभ कर दी। बोले के नारायण भगवान की। दोनों भाई राम और श्याम, भगवान ने बंसुरी ले ली और ऐसी धुन बजा दी बंसुरी की कि सारे गोपिकाएं सारे ग्वाल वाल क्या है अपने सारे शुद्ध मन को क्या है भूल गए। क्या गाएं भगवान वृंदावन में चले
और तीर्थ में आप जाते हैं तो तीर्थ में किसका महात्म है? जल। हरिद्वार क्या हो गया? वहां जल का महात्म है और धाम में आप जाएंगे मिट्टी का। मिट्टी का महात्म होता है वृंदावन धाम में। भगवान में क्या है वहां पर? अनेक प्रकार की लीलाएं, बसरिया बजाई और उसके बाद यमुना के तट पर आए। दैत्य के क्या है? प्राण पखेरु उड़ गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोलो माता कष्ट कर, बोलो जो इस सब को खाने लगे। भगवान ने कहा भैया इसका भी उतार कर। भगवान ने उस बगुले के उस पितासुर के हाथ पैर पकड़े और उस आकाश रूप में घुमाया। उसको भी क्या है? मृत्यु को प्राप्त कर लिया और बिताशुर भी क्या है? मोक्ष को प्राप्त। अब इसके बाद किसको भेजा? अघासुर। अघ मने पाप और मां मने नहीं, उसका नाम है अघासुर। बोले अघासुर महाराज की। सबने पाप, सबने हाथ खड़े कर दिया अघासुर के लिए। अघासुर जानते हैं जैसे गुफा बना रखी थी, उसमें सारे लोग उसकी गुफा के अंदर घुसते हुए सारे चले गए। भगवान ने कहा मेरे सारे ग्वाल बाल समाप्त हो गए, गोपियां समाप्त हो गई, अंततोगत्वा भगवान भी चले गए। भगवान ने देखा बाबा का भेजा हुआ इसका भी करना है। भगवान ने उसके मुख को पकड़ा दोनों हाथों से, उस अजगर के मुख के दो टुकड़े करके चीर करके फाड़ करके और उस अजगर को पृथ्वी पर पटक दिया और वह क्या है? मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोली यज्ञ नारायण भगवान। आगाज शांति की जरूरत है। बुरा तो बुरा ही, इसलिए कबीर दास जी ने भी लिखा है बुरा देखन को मैं चला, मुझसे बुरा न को। हम बुरा देखने चलते बोले आरोग्य ऐसे ऐसे, परंतु बुरा कोई नहीं। दिल ढूंढो चित आप दो, मुझसे बुरा न को। अगर हम अपने दिल में झांके तो हम गलत काम कर ही नहीं, परंतु हम ऐसी माया के बीच में हैं, माया के चक्कर में, माया में अगर कोई फंस गया समझ लो कुछ भी कर सकता है। पीड़ते बब्र बबु से तड़िदम बराया, गुंजा वतंस पर पे चल सन्मुखाया, वन्या सजे कवल एत्र विषाण बेड़ो, लक्ष्मी श्री मिलु पदे पशुपांग जाया। अंततो गत्वा भगवान ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में पड़े, तब भगवान जी और ब्रह्मा जी का मोह भगवान ने क्या है? भंग किया। बोले यज्ञनाथ उस रास्ते में चलो। इसके बाद भगवान ने घेरों का सुर का उद्धार किया। अब उसके बाद क्या हो गया? सबको भूख लग गई, प्यास लग गई, गाया बड़ी परेशान हो गई, कहा हे भगवान हे कृष्ण हमें प्यास लग गई, कहाँ जाए? भगवान ने कहा हे गाय माताओं चलो यमुना के तट पर चलते है, यमुना मैया बह रही है, यमुना का जल पियो।
सारी गायें झुंड बना करके चली, ग्वाल वाल चले, गोपिकाएं चली, और चलते चलते यमुना के तट पर पहुंचे। बोले यमुना मैया की। अब जब सड़कों के किनारे दूर का कोई नहीं पैदल हुआ, शायद ऐसे लग रहा है इनको पहचान लो आप लोगों को, आप भी शायद नजदीक सब संपन्न लोग आए हैं। संपन्न लोग कब आए? भगवान के विवाह में आए। यहाँ भगवान धर्म की आज क्या कर रहे हैं? विजय कर रहे हैं। आज मामा को मारेंगे, देखो मामा बराबर तो कोई मेहमान है, परंतु देखो अत्याचारी मामा को मारना चाहिए। शास्त्र कहता है, नीति कहती है, अत्याचारी मामा की बात सुननी नहीं चाहिए। अब देखो भगवान क्या करते हैं, रासलीला प्रारंभ करते हैं। उसके बाद भगवान आगे चले और चलते चलते भगवान गोपिकाएं भगवान के विरह में परेशान हो गई। भगवान ने रूप दिखाया, भगवान ने कहा जरा इन गोपिकाओं को भी देखते कितना प्रेम है इनका मेरे में। बहुत सारे तो नकली प्रेम है, दूर से ही नमस्कार आए, गले मिल गए, कहा ये भाई ठीक है, हंसी खुशी, ये सब नकली प्रेम है। और जो असली प्रेम है वो ज्यादा दिखावा नहीं करता, असली प्रेम यहाँ और नकली प्रेम बाहर। असली को पहचानो, असली पर आप जाएंगे तो आप भ्रमित नहीं होंगे, और नकलियों के पल्ले पड़ोगे तो भ्रमित होते जाओगे। कोई लाल पट्टे वाला, कोई पीले, कोई सफेद, कोई कैसे मिलते दुनिया है। हरि अनंत कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, दुनिया बहुत रही है। इसलिए सारी गोपिकाएं भगवान ने कहा जरा थोड़ा दाए बाए हो। जयति तेधिकम् जन्म ना ब्रज श्रयतई दिरा सरस्वत त्रही
दयते दृश्यताम दिक्षुताव का सुदाम जब इस प्रकार से गोपिकाएं प्रह गीत गाने लगे, भगवान ने कहा मेरी गोपिकाएं परेशान हो, मेरे ग्वाल वाले परेशान हुए पूरा। फिर भगवान इनके बीच में प्रकट हुए होने के नारायण भगवान की। फिर भगवान क्या है, रास लीला की तैयारी करने सारे लोग आए और भगवान का भजन करने लगे, बोले के नारायण भगवान। जानता था नट खड़ी था, नंद लाला को चोरा ले कने पासो रे बजा दो, नंद लाला को को यहाँ ले आओ, जरा बोलना कि कंस ने बहुत बड़ा मेले का आयोजन कर रखा है और वहाँ धनुष तोड़ धनुष खंडन भी हो रहा है, जो उस धनुष को तोड़ेगा, आओ कितना बल है, जाओ तुम जाओ। अक्रूर जी प्री की यात्रा करने लगे, अक्रूर जी गए पहुंचे और भगवान ने कहा हे चाचा जी ठीक तो है सब लोग, कहा बहुत कहा मामा के क्या हाल समाचार है, कैसे है मेरे मामा जी। बोला भैया तुम्हारे मामा की घबराहट बढ़ रही है, मामा सोच रहा कब आ जाए। कहा बेटा तुम्हारे मामा ने इतना बता दिया है कि हमारे भांजे को भुला के लाओ, मैं इसमें भेजा हूँ। अक्रूर जी जब इस प्रकार से कहा, भगवान ने कहा चिंता क्यों कर रहे हैं, चलेंगे हम दोनों भाई चले। और सारे दंड बाबा ने भी खबर कर दी कि मेरे दोनों बेटे कहाँ जा रहे हैं, राम और श्याम कहाँ जा रहे हैं, कंस के यहाँ। कुछ खराब फिर डुबकी लगाई, देखा तो फिर जहां ना कहीं भगवान ही भगवान, कृष्ण ही कृष्ण। अक्रूरो चताम रात्रि मधुर पुर्या महामती उसी तारतमास्ताया प्रयो नंद गोकुला। फिर डुबकी लगाई, कहा देखे देखा तो जहां कहीं भी देखा तो भगवान ही भगवान दिखाई दिए। और फिर उन्होंने डुबकी लगा करके वापस आए तो देखा तो भगवान साक्षात रथ पर बैठे हुए। भगवान ने कहा चाचा जी कैसा लग रहा, कहा बहुत बढ़िया। अरे मैं तो नहाने गया तो वहां तो देखा जगह जगह तुम्हें तो देखा। उन्होंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, चलो चले। और चलते चलते कहाँ पहुंच गए, मथुरा में प्रवेश कर लिया, बोले के नारायण भगवान की। अब जब वहां पहुंचे, वहां चलते चलते भगवान को कौन मिला, सबसे पहले कंस का धोबी मिला। धोबी के पास वस्त्र थे, भगवान ने कहा अरे वस्त्र, कहा रे जा मैं तो कंस का धोबी हुई हूँ, जानते हो तुम कंस का नाम। कहा यार मैं तो छोटा सा बालक हूँ, सुना है मैंने कि तो कंस राजा है। कहा मैं कंस राजा का धोबी हूँ। कहा यार एक कपड़े दे दो, कहा नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और कंस ने भगवान ने क्या है उस धोबी को मार दिया, बोले यज्ञ नारायण भगवान की। उसके बाद आगे चले, एक दर्जी मिला सिलाई कर रहा था, कहा भैया मेरे लाए कोई वस्त्र है। दर्जी ने कहा बैठो आप कौन है। कहा मैं छोटा सा नन्ना मुन्ना है, मेरे को लोग कन्हैया भी बोलते हैं, बार बार यही नाम। उन्होंने आदर सत्कार किया, भगवान की जय जयकार की, सुंदर वस्त्र। भगवान प्रसन्न हो गए, वहां से चल दिए। कहा भैया कुछ वरदान दो मान। कहा प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं हमेशा आपके चरणों की सेवा करूं। भगवान ने कह दिया तथास्तु, बोले यज्ञ नारायण भगवान।
आप आता हूँ थोड़ा सा लगातार का शायद 15-20 मिनट रहे कथा को भी विराम होगा थोड़ी देर आगे चले आगे भगवान को कौन मिले एक सुंदर राशि मिली तिरुवक्रा चेहरा तो बड़ा सुंदर था परंतु कमर तीन जगह से टेढ़ी थी जिसका नाम क्या था खुबजा भोले खुबजा मैया की बड़ी सुंदर थी वो कौन थी कंस की दासी उसका काम क्या था चंदन लगाना चंदन लेपन भगवान ने कहा हे सुंदरी तुम कौन हो कहा गौरी माता की संग गणराज
Thank you.
है।